दे रहा है यार। बस उतना ही। अच्छा कुछ थाइन गॉड आपको समझ नहीं जाती। अच्छा हाँ अभिषेक लुक सेंटर है। लुक सेंटर हाँ, तो बात करने से नजर लगती है तो हम आपके सामने खड़े हैं, बस खुश है, वही सबसे अच्छा रिस्पांस है कि देखने आए कि लोग आ रहे थिएटर में। अभी उन्होंने वही सवाल पूछा, मैंने वही जवाब दिया। आप बड़े अटेंडेंट टाइप के आदमी हैं। नहीं, मैं वही कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बात करने से थोड़ी ज़्यादा नज़र लगती है, बट आई थिंक द लव दैट द फिल्म इज गेटिंग, वेदर इट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिएक्शन आया है, सब जगह जो हमने सुना है, देखा है, जो मुझे आज तक इतने फ़ोन कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आई थिंक द इनहेरेंट लव दैट चेतन नॉवल हैड और जो हमारे डायरेक्टर ने काम किया है, उसकी वजह से लोगों को इमोशनली टच कर रही है पिक्चर। आई थिंक फॉर मी दैट इज द नाइसेस्ट फीलिंग दैट पीपल आर कनेक्टिंग टू द फिल्म इमोशनली। आपकी जब हाईवे के लिए गए या स्टूडेंट के लिए गए तो रिएक्शन या द अमाउंट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइजिंग यू और टेकिंग पिक्चर्स विद यू और इंटरैक्टिंग विद यू, हाउ मच हैज इट चेंज्ड इन द लास्ट टू डेज? Obviously, जो वॉर्म्थ महसूस होता है व्हेन यू गो टू अ थिएटर टू सी योर फिल्म, स्पेशली हम पहले दिन भी गए थे और अब संडे को भी आए हैं, इट्स वेरी नाइस। लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बट यू कैन जस्ट सी फ्रॉम देयर स्माइल्स दैट दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड वॉर्म्थ एंड दैट्स व्हाट यू आर वर्किंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है बच्चे डरना बंद हो गए। पहले जो पिक्चरें की उसमें छोटे बच्चे थोड़े डर जाते थे, रो देते थे। एक बच्चा एक बार रोया था मुझे देख के, वो खुश भी हुआ था बाला को देख के, फिर बाला करके रोना भी शुरू कर दिया था, तो अब कोई रो नहीं रहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा, तो वो अच्छा लग रहा है, बच्चे फोटो लेने को भी तैयार हो गए। तो बट या लाइक शी सेड, यू नोबडी इज कमिंग एंड सेइंग समथिंग स्पेसिफिकली, बट ये पता है ज़रूर कि दे इमोशनली गेटिंग टच बाय द फिल्म बिकॉज यू सी फैमिलीज कमिंग। जैसे आज मुझे बहुत सारे फैमिली ऑडियंस मेंबर्स दिखे जो साथ में आए ग्रुप्स में, तो जैसे पहले दिन यूथ देखा था, टुडे यू कैन सी द फैमिलीज कमिंग। And
I think we make a film for a very big diaspora of audience. So everybody has a right to an opinion. आप अगर पैसे देते हो तो आपका जरूर हक बनता है कि आप opinion रखो and आपका आपकी opinion सर आंखों पर लेकिन eventually you make a film for majority, not minority. And I think box office collections report a majority if they like it or don't like it. So you always have to weigh the pros and cons of the critical reviews as well as the audience interaction. It's too early to suggest where the film is heading in terms of numbers, but definitely, जहाँ तक response मिला, मुझे आज तक मेरी कोई भी तीन पिक्चर लगी इसके पहले, मुझे ऐसा response नहीं मिला. So I would like to feel that we have connected with India in general more than anybody else. So that's a good sign. जिस दिन इस इंडस्ट्री में किसी इंसान को पता लग जाए कि क्या एट्रीब्यूट है एक पिक्चर के सक्सेस होने का, मैं जाके उसके साथ रहना शुरू कर दूंगा. बिकॉज कोई नहीं बता सकता क्यों. दैट इज द यूनिकनेस ऑफ बीइंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री. इट्स द एवरी फ्राइडे इज अ गैम्बल. सम डेज दे पे ऑफ, सम डेज दे डोंट, बट द नोबडी नोज रीजंस अ सच कि क्या है. माइक के और ऊपर सोने का टाइम नहीं मिल रहा, ड्रीम करने का टाइम नहीं मिल रहा आजकल. ऐसे लाफ डाउन आफ्टर टू मिनट्स अबाउट द जोक. यार ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एक्साइट्स यू एट व्हाट टाइम इन योर लाइफ. बट व्हाट यू सेड, जो मैं मानता हूँ कि हमें अलग किरदार निभाते रहना चाहिए. वी आर इन एन एज ग्रुप वेयर एंड अ जनरेशन वेयर इमेजेस आर ईजी टू ब्रेक. ऑडियंसेज डोंट कम विद प्री कंसीव नोशंस अबाउट अस. सो आई एम हैप्पी इफ दे आर लाइकिंग अ क्रिश एंड दे आर लाइकिंग अ बाला. और फॉर हर शी गेट्स टू डू हाईवे स्टूडेंट एंड द टू स्टेट्स एंड ऑल द फ्यूचर फिल्म्स. आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड हैविंग फन. सो आई डोंट हैव अ ड्रीम रोल इन माइंड, बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई हैव बीन एक्सेप्टेड इन अ रोल लाइक दिस एज वेल अलॉन्ग विद द बाला एंड परम. राइट नाउ आई एम आईंग सम वाटर बिकॉज़ आई एम थर्स्टी. मैं वही बोलता हूँ, नजर लगती है ऐसा सोचने से. अभी शुरुआत हुई है. हाँ अभी तो पहला कदम लिया. लेट्स सी वेयर वी लैंड. आप लेके दे रहे हो, आप स्पेशल करो. कौन से चैनल से आप स्पेशल करो? 50-100 आए हो यहाँ पे, आप स्पेशल करो. जब कमा लूंगा तब खरीद लूंगा, तब आपको पता लग जाएगा. Thank you, boss. Madam, 100.